जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स की इस पटल पर सभी विद्वत जनों को प्रणाम करता हूँ। अभी जैसा परिचय दिया डॉक्टर अनिल जी ने, तो उसमें मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा कि मैं उदयपुर में नहीं जोधपुर में रहा था। हाँ सॉरी सर, सॉरी, हाँ और बिल्कुल आज का सही विषय है, फरमाया। हाँ जीवन दिया जी, आज यस का यस, विषय आत्मा की स्वतंत्रता और परतंत्रता है। आत्मा की स्वतंत्रता और परतंत्रता ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। हम सब जानते हैं कि हम सब जीव हैं और जीव में कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है। हम सब स्वतंत्रता का अनुभव भी करते हैं, पर समस्त जीवों में एक जैसी स्वतंत्रता नहीं है। एकेंद्रीय जीव में स्वतंत्रता है अत्यल्प मात्रा में, दो इंद्रिय जीव में उससे कुछ अधिक है, तीन इंद्रिय जीव में उससे कुछ अधिक, चार इंद्रिय जीव में उससे अधिक, और पांच इंद्रिय में भी जो असंगी पंचेंद्रिय उससे संगी पंचेंद्रिय में अधिक, और फिर नारक देवों की अपेक्षा मनुष्य में भी स्वतंत्रता अधिक है। सबसे अधिक स्वतंत्रता मनुष्य में है। स्वतंत्रता का क्या अभिप्राय है? स्वतंत्रता जानने में, निर्णय लेने में और क्रिया करने में स्वतंत्रता होना, स्वाधीन होना स्वतंत्रता है। हम जो जानना चाहें जान सकें, हम जो निर्णय लेना चाहें ले सकें, क्रियान्वित करना चाहे कर सकें, जैसा कर्म करना चाहे कर सकें, इसमें हमारी स्वतंत्रता है कि नहीं, ये स्वतंत्रता का विषय बनता है। यद्यपि जैन दर्शन के व्याख्याकार षड् द्रव्यों का विवेचन करते हुए छमो द्रव्यों की स्वतंत्रता का विधान करते हैं कि सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जीव की स्वतंत्रता का तो कोई अर्थ है और उसका कुछ उपयोग भी है, लेकिन अन्य द्रव्यों की स्वतंत्रता का कोई उपयोग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। अन्य द्रव्यों का स्वरूप सबका स्वतंत्र, यूं कह सकते हैं हम, सभी द्रव्य स्वरूप की दृष्टि से भिन्न भिन्न हैं और जीव भी भिन्न है, लेकिन दूसरे द्रव्यों को करने की क्षमता प्राप्त नहीं है कुछ, कि वो कुछ कर सकें, तो स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। स्वतंत्रता का दो तरह से हम अर्थ ले सकते हैं। एक तो परतंत्रता से मुक्ति स्वतंत्रता है और एक कुछ कर सकें जैसा चाहें वो स्वतंत्रता है। तो परतंत्रता से मुक्ति उन द्रव्यों की है, लेकिन धर्मास्तिका या अधर्मास्तिका आदि में कोई ऐसा प्रभाव नहीं आता स्वतंत्रता परतंत्रता का, पुद्गल में अवश्य आता है। पुद्गल अपने अनुसार भी चलता है और मनुष्य के अनुसार भी चलता है या अन्य जीवों के अनुसार भी चलता है। पुद्गल में परिवर्तन करने की शक्ति पुद्गल में स्वयं में भी है और जीव के द्वारा भी उनमें परिवर्तन किया जाता है, जैसा कि गत लेक्चर में यह चर्चा हुई थी। तो स्वतंत्रता, सर्वाधिक स्वतंत्रता जीव को प्राप्त है और जीव की स्वतंत्रता ही कोई मीनिंगफुल है, कोई अर्थ रखती है। और परतंत्रता से पूर्ण मुक्ति के अभिप्राय में स्वतंत्रता को लें तो वह स्वतंत्रता केवल सिद्ध जीवों को प्राप्त है जो पूर्ण रूप से परतंत्रता से मुक्त हो गए हैं। वो किसी के अधीन नहीं है, कर्मों से भी अधीन नहीं है, आठ कर्मों से मुक्त हैं। तो स्वतंत्रता का दूसरा शब्द ही मुक्ति है और मुक्ति परतंत्रता से होती है, बंधन से होती है। वो बंधन मुक्त हैं, इसलिए पूर्ण मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं, सिद्ध जीव।
उनसे कम स्वतंत्रता का अनुभव केवलियों को होता है जो चार कर्मों से मुक्त हो गए हैं, चार घाती कर्मों से मुक्त हो गए हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोह और अंतराय कर्म। तो वो मुक्ति का अनुभव करते हैं, लेकिन अभी भी चार कर्म उनके शेष हैं। उन चार कर्मों का क्षय आयुष्य कर्म के साथ हो जाता है, इसलिए कोई उन पर ऐसा कोई परतंत्रता का विशेष प्रभाव नहीं होता, पर शरीर जब तक है तब तक योग रहता है, योग की प्रवृत्ति रहती है, मन वचन काया योग रहते हैं, मन वचन काया की प्रवृत्ति उनमें हो सकती है, यद्यपि वो प्रवृत्ति करें न करें, क्योंकि आवश्यकता नहीं पड़ती, आवश्यकता पड़े तो वो करते भी हैं, पर योग माना गया है, तीनों योग माने गए उनके यहाँ। पर हम जो जीव हैं, जो आठों कर्मों से युक्त हैं, उनमें स्वतंत्रता अत्यल्प है, पर अन्य जीवों की अपेक्षा एक इंद्रिय की, दो इंद्रिय की, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय, यानी पशु पक्षियों की, सर्प सर्प आदि की अपेक्षा, देवी देवताओं की अपेक्षा भी और नारकों की अपेक्षा भी मनुष्य अधिक स्वतंत्र है। पर मनुष्य भी सारे समान रूप से स्वतंत्र नहीं है, उनकी स्वतंत्रता भी उनके स्वभाव पर निर्भर करती है कि वो कितने स्वतंत्र है, उनके ज्ञान पर, उनके स्वभाव पर, उनके आचरण पर निर्भर करती है कि वो कितने स्वतंत्र हैं। कोई जीवन भर अपनी परतंत्रता का ही अनुभव करता है और क्रियाएं भी परतंत्र रहने की करता है, और कोई स्वतंत्रता का अनुभव करता है और क्रियाएं भी स्वतंत्र होने की करता है। तो स्वतंत्रता और परतंत्रता ये आपेक्षिक हैं हमारे संसारी जीवों के लिए, हम किसी अपेक्षा से स्वतंत्र हैं, किसी अपेक्षा से परतंत्र हैं, पराधीन हैं। कैसे पराधीन हैं? तो संसारी प्राणी, हम सभी संसारी प्राणी, एकेंद्र से लेकर के और मनुष्य तक, सभी कर्मों से युक्त हैं, आठ कर्मों से युक्त हैं। तो कर्मों का प्रभाव हमारे पर रहता है, उसके कारण से हम परतंत्र हैं, चाहते हैं वैसा नहीं कर पाते, जैसा जानना चाहते हैं जान नहीं पाते, जैसा करना चाहते हैं कर नहीं पाते। फिर भी अज्ञानी प्राणी होते हुए भी हम में से बहुत से लोग स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, वो यद्यपि स्वतंत्रता नहीं कही जा सकती, फिर भी उसको स्वतंत्रता कहते हैं, क्योंकि कुछ करने में उनको स्वतंत्रता का अनुभव होता है। वो स्वतंत्रता दो प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो जैसा चाहता है वैसा कर सके, एक तो यह स्वतंत्रता, जैसा नहीं करना चाहता वैसा नहीं कर सके, एक स्वतंत्रता। तो जो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहता, वो ऐसा न कर सके, न कर पाए, न करे, और जैसा करना चाहता वो कर सके, ऐसी स्वतंत्रता का अनुभव मनुष्य करना चाहता है। मनुष्य कहें कि स्वतंत्रता प्रिय है, सभी प्राणी स्वतंत्रता प्रिय हैं, पर मनुष्य भी है। सभी प्राणी का मैं इसलिए कथन कर रहा हूं कि पक्षी कैद में रहना नहीं चाहते, स्वतंत्रता पूर्वक गगन विहार करना चाहते, पशु भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता, अजायब घर में, पशु घर में रहना नहीं चाहता, वह भी स्वतंत्र विचरण करना चाहता है। तो स्वतंत्रता हर प्राणी को प्रिय है, लेकिन उसका अनुभव हम अधिक करते हैं। कई मायनों में पशु हमसे अधिक स्वतंत्र है, जैसे वो उसको जो जहां खाना है मिल गया, खा लिया, और उसको जहां शौच करना है वहां शौच कर देता है, वो नहीं सोचता कि मुझे सड़क पर शौच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसकी बुद्धि उतना ही काम करती है, उसमें ये एथिकल वैल्यूज की कोई बात नहीं है, इसलिए उसको ऐसा नहीं लगता है कि मुझे यहां पर निष्ठा का त्याग नहीं करना चाहिए। गाय वहां पर ही जहां चरती है वहीं अपना कोठा कर देती है,
पक्षी भी बीट कहीं भी कर देते हैं, लेकिन घर में जिस कुत्ते को पाला जाता है वो एक निश्चित स्थान पर जाकर करता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सेंस डेवलप हो जाता है, हम कर देते हैं सेंस डेवलप। पर मनुष्य एथिकल वैल्यूज को जानता है तो अपनी स्वतंत्रता को भी उनके साथ जीना चाहता है, वो अपने सम्मान को समझता है और सोशल रेस्पेक्ट को समझता है, सोशल वैल्यूज को समझता है, इसलिए वो आचरण में उस तरह का आचरण करता है जिससे लोग उसको गलत ना समझें। तो उसमें उसकी स्वतंत्रता उसकी एथिकल वैल्यूज के साथ, सोशल वैल्यूज के साथ, पारिवारिक वैल्यूज के साथ बंधी होती है। उन वैल्यूज के आधार पर वो स्वतंत्रता का अनुभव करता है, हर जगह खड़े होकर हर क्रिया नहीं कर सकता, उसको ठीक नहीं माना जाता। लेकिन स्वतंत्रता, ये एक सामान्य स्वतंत्रता कि मैं भोजन करूं ना करूं, इसमें भी मेरी स्वतंत्रता है, मैं वाहन का उपयोग करूं ना करूं, इसमें मेरी स्वतंत्रता है। लेकिन मनुष्य की स्वतंत्रता पशु से कैसी अधिक है? पशु कोई वाहन का उपयोग नहीं करता स्वतः, कोई उसको वाहन में चढ़ाएगा तो उस वाहन की सवारी करेगा, स्वयं को वाहन चलाना नहीं आता, स्वयं को वाहन खरीदना नहीं आता, स्वयं वाहन को बैठता नहीं है, और उसको कोई ऐसा साधन ऐसा ज्ञान भी नहीं है कि किसी वाहन में मैं प्राप्त करके चढ़ जाऊं। पर मनुष्य चाहे तो पैदल चल सकता है, चाहे तो कार में यात्रा कर सकता है, चाहे तो ट्रेन में यात्रा कर सकता है, चाहे तो फ्लाइट में यात्रा कर सकता है, इसकी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अनुभव करता है। ऐसे हर क्रिया में उसकी स्वतंत्रता हो सकती है, पर वो नहीं करे इसकी भी स्वतंत्रता है, करे इसकी भी स्वतंत्रता है। मैं चाहे यह करूं, मैं चाहे वो करूं, ऐसी स्वतंत्रता का अनुभव वो करता है, तो उसको अच्छा लगता है कि मैं स्वतंत्र हूं। लेकिन कभी कभी उसकी स्वतंत्रता सही निर्णय से युक्त नहीं होती, तो वो स्वतंत्रता उसके लिए घातक बन जाती, उसको दुष्परिणाम देने वाली हो जाती, क्योंकि वो पाप करने में भी स्वतंत्र है, तो पाप का पाप की क्रिया करेगा तो उसका परिणाम दुख ही होगा, वो स्वतंत्रता परिणाम तो दुख देने वाली है और उसको पराधीन बनाने वाली है। जैसे वो ये समझे कि मैं हिंसा कर सकता हूं तो हिंसा करता है तो उसका परिणाम दुख होगा, मैं क्रोध कर सकता हूं ये वो मानता है तो क्रोध का परिणाम दुख होगा, कोई समझता है कि मैं किसी का शोषण कर सकता हूं इसमें स्वतंत्र हूं तो उसका परिणाम खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी दुखकारी होगा। तो कभी इस तरह की स्वतंत्रता जिसका वो अनुभव करता है, जिस स्वतंत्रता का, वो स्वतंत्रता कभी कभी दूसरों के लिए घातक भी हो सकती है और स्वयं के लिए भी घातक हो सकती है, पापकारी हो सकती है, परिणाम में दुखद हो सकती है। और आज ऐसी स्वतंत्रता बढ़ती जा रही है, हर युवक जितनी शॉपिंग करना चाहे कर सके, ऐसी योग्यता का विकास करना चाह रहा है कि मेरी कोई इच्छा अधूरी न रहे, हर इच्छा को पूर्ण कर सकूं। फ्रीडम ऑफ विल, इच्छा का की स्वतंत्रता, इसके आश्रित चल रहे हैं। लेकिन कौन सी इच्छा की जानी चाहिए, कौन सी नहीं की जानी चाहिए, कौन सी हितकारी है, कौन सी अहितकारी है, ये विचार बहुत आवश्यक है कि किस तरह से हमको स्वतंत्र बनना है, आत्मा की वास्तविक स्वतंत्रता क्या हो। स्वतंत्रता का परिणाम सुख होना चाहिए, पर वो सुख कैसा हो, आज मनुष्य समझता है पांच इंद्रियों से और मन से जैसा कुछ भोगना चाहूं भोग लूं, यही उसकी स्वतंत्रता उसको नजर आती है, उसी के लिए वो अर्जन करता है, न केवल आजीविका मात्र अपितु अधिक से अधिक संग्रह भी करता है, परिग्रही बनता है कि वो अपने मन चाहे कार्य कर सके, पांच इंद्रियों के भोग कर सके और मन की इच्छाओं को अधूरा न छोड़े। यद्यपि कभी पूर्ण नहीं होती इच्छाएं, एक के बाद दूसरी पैदा हो जाती, दूसरी के बाद तीसरी हो जाती है, वो क्रम चलता रहता है,
पर कभी इच्छाओं की पूर्ति में पराधीनता होती है। सारी इच्छाएं कभी किसी की पूर्ण नहीं होती, और इच्छाओं की पूर्ति में हम दूसरी वस्तुओं की, व्यक्तियों की आवश्यकता का अनुभव करते हैं कि वो होगा तब ये काम पूरा होगा, वो वस्तु होगी तब पूरी होगी। तो इस प्रकार की पराधीनता उसमें रहती है, बस पराधीनता में भी वो स्वतंत्रता समझता है। जैसे कोई चाहता है कि मैं विवाह करूं, तो विवाह में परतंत्र है, क्योंकि कोई स्त्री चाहेगी तब विवाह होगा, अन्यथा कैसे होगा। तो परतंत्र है, फिर भी उसमें स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहता है, करता है। पर एक कला है मनुष्य की, वो एडजस्टमेंट करना जानता है, और अपने मन के स्तर पर, चेतना के स्तर पर स्वतंत्रता का अनुभव फिर भी कर सकता है, कैसी भी स्थिति में कर सकता है, अगर उसमें ज्ञान है तो। क्योंकि चेतना के स्तर पर स्वतंत्रता का मीनिंग कुछ डिफरेंट है, कुछ उससे उच्च भी है। जैसी स्वतंत्रता हम समझते हैं, जैसे भारत की स्वतंत्रता हो गई, पराधीनता से मुक्ति मिल गई, एक ये सामूहिक स्वतंत्रता हुई देश की, उससे बहुत सारे लाभ हुए। ऐसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लाभ होते हैं, सुख में वृद्धि होती है, स्वतंत्रता अपने आप में एक सुखकारी होती है। लेकिन जिस स्वतंत्रता का परिणाम दुख रूप में होता हो, यानी कि ऐसी क्रियाएं जो परिणाम में दुख देती हैं, उस स्वतंत्रता का वो दुरुपयोग है। स्वतंत्रता का दुरुपयोग दुख देता है परिणाम में। इसीलिए हमारे यहाँ मान्यता है, और हरिभद्र सूद ने शास्त्रवार्ता समुच्चय में कहा है, दुखम पापात सुखम धर्मात सर्वशास्त्रेषु संस्थिति। सभी शास्त्र ये मानते हैं कि दुख पाप से होता है और सुख धर्म से होता है। तो जो भोगों का सुख मिलता है, पांच इंद्रिय के भोगों का सुख मिलता है, उसका परिणाम आध्यात्म की जगत में दुख माना गया है, क्योंकि वो उसमें पाप करता है। कोई अनैतिक दृष्टि से, यानी कि झूठ बोलकर, चोरी करके, अप्रामाणिकता पूर्वक धन अर्जित करता है या अपनी इच्छाओं को पूरी करता है, तो परिणाम में दुख मिलता है, आत्मतुष्टि नहीं मिलती, रिक्तता का अनुभव लास्ट तक करता रहता है, कुछ न कुछ अधूरापन लगता है। तो ऐसी स्वतंत्रता जिससे अधूरापन न लगे, ऐसी स्वतंत्रता जिसमें कोई करना शेष न रहे, ऐसी स्वतंत्रता का विशेष मूल्य है, और वैसी स्वतंत्रता पूर्ण मुक्ति की अवस्था तो सिद्धों की है, और चार कर्मों से मुक्त होने पर केवलियों की है। पर उसका हम अनुभव अभी नहीं कर पाते, तो हम कौन सी स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं दुख मुक्ति के क्षेत्र में, उसका थोड़ा विचार कर लें। एक उमा स्वाति, या जिनका नाम उमा स्वामी भी कहा गया है, उनका प्रशम रति प्रकरण ग्रंथ है, उसमें वे कहते हैं, स्वर्ग सुखानि परोक्षाणि अत्यंतम परोक्षम मोक्ष सुखम। स्वर्ग के सुख परोक्ष हैं और मोक्ष का सुख अत्यंत परोक्ष है। प्रत्यक्षम प्रशम सुखम स्ववशम नवेय प्राप्तम। लेकिन जो प्रशम सुख है वो प्रत्यक्ष है, वह स्ववश है, उसके हम स्वाधीन हैं, और उसमें किसी प्रकार का व्यय नहीं करना पड़ता, धन खर्च नहीं करना पड़ता, पराधीनता नहीं है, और धन भी खर्च नहीं होता। ऐसा प्रशम सुख का अनुभव हमको हो सकता है, वो भी कुछ स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। जैसे मैं अगर क्रोध न करूं, इसमें स्वतंत्र हूं, तो मुझे प्रशम सुख की, शांति के सुख की अनुभूति होगी। अभिमान का प्रसंग है, रूपवान भी हूं, धनवान भी हूं, बुद्धिमान भी हूं, फिर भी मेरे में अगर मद नहीं आता है, अभिमान नहीं आता है, तो मैं प्रशम सुख का अनुभव कर सकता हूं। उसमें कोई धन खर्च नहीं होता, वो पराधीनता भी उसमें नहीं है। तो ऐसे ही माया और लोभ का त्याग करने पर जिस प्रशम सुख का अनुभव होगा, वह भी स्वाधीनता का अनुभव कराता है, स्वाधीनता वाला सुख है।
उसमें कोई पराधीनता नहीं। तो स्वाधीनता कब मीनिंगफुल बनती जाती है? जब हम पराधीनता का जितना त्याग करेंगे, जितना ज्ञान पूर्वक स्वतंत्रता का सदुपयोग करेंगे, उतना ही हम स्वाधीनता का अनुभव करेंगे। पर हम जो अभी पराधीनता का अनुभव करते हैं, उसमें एक कारण कर्म है। हम कर्मों से बंधे हुए हैं। अब कोई एक प्रश्न करे कि आत्मा कर्मों से कब बंधी, इसका उत्तर जैन दर्शन के पास नहीं है। जैन दर्शन कहता है कब का उत्तर नहीं, अनादि से बंधा हुआ है ये आत्मा। अनादि काल से कर्मयुक्त ही है। कर्म रहित होने पर वह कभी कर्म से संयुक्त नहीं होती। तो कर्मयुक्त आत्मा कर्म के अधीन है, फिर भी कुछ अंशों में उसकी स्वाधीनता है। उस स्वाधीनता का अनुभव हमको करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कहीं, जीव कर्म के वश है, कहीं ची जीवा कम वसा, कहीं ची जीवाई कम वसाई जीवाई। कहीं जीव जो है कर्म के वश में, कहीं जीव कर्म के वश में है, कहीं कर्म जीव के वश में है। यानी कर्म बलवान होते हैं, पूर्वकृत कर्म बलवान है, पूर्वकृत कर्म का उदय आता है, तो उदय में आने पर हम उसके अधीन हो जाते हैं। जैसे क्रोध का उदय आ गया, मान का उदय आ गया, राग का उदय आ गया, लोभ का उदय आ गया, यानी कषाय का उदय आ गया, दुख का उदय आ गया, तो उस समय हम उसकी पराधीन हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ स्वतंत्रता बची रहती है। उस स्वतंत्रता में अगर हम साधनाशील हैं, ज्ञानवान हैं, तो उस साधनाशील में स्वतंत्रता का उपयोग करके हम उसको बढ़ाएंगे नहीं। क्रोध आया उसको बढ़ाएंगे नहीं, मान आया उसको बढ़ाएंगे नहीं, ये स्वतंत्रता हमको प्राप्त है। लोभ की वृत्ति आई लेकिन उसको बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हमको वो समझ में आ गया कि ये ठीक नहीं है, ये मेरे लिए हितकर नहीं है। हितकर नहीं है इस बात का निर्णय लेकर जब हम उसका प्रतिकार करेंगे, समता में रहेंगे, या जिसे ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेंगे, समता में रहने का हो, रहने का कहो, या ज्ञाता दृष्टा रहने का कहो, एक ही बात है। तो इसमें जब हम रहेंगे तो हम नवीन कर्मों के बंध से, यानी दुख की प्रवृत्ति से आगे बढ़ाने में रुक जाएंगे। ये हमको स्वतंत्रता प्राप्त है, और हर जीव को किसी न किसी अंश में प्राप्त है। पर वो इसका तभी उपयोग कर सकता है जब उसको इस प्रकार का ज्ञान हो, नहीं तो ये क्रम चलता रहता है, बंधन की प्रक्रिया चलती रहती है, और स्वतंत्रता थोड़ी बहुत भी है उसका हम दुरुपयोग कर लेते हैं, तो स्वतंत्रता का अनुभव नहीं हो पाता। तो कर्म का प्रभाव होने से ही, चाहे वो किसी भी कर्म का हो, आयुष्य कर्म का हो, क्योंकि हमको ये स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है कि मैं चाहूं जितना जी सकूं, ये स्वतंत्रता मिली हुई नहीं है। एक दिन अवश्य मृत्यु होगी, तो हमारी स्वतंत्रता सीमित है। मेरी ये स्वतंत्रता नहीं हो सकती कि मैं एक साथ 5 किलो भोजन कर लूं, ये स्वतंत्रता मुझे मिली हुई नहीं है। मैं सारी दुनिया का धन इकट्ठा कर लूं, ये भी स्वतंत्रता मुझे मिली हुई नहीं है। तो हमारी स्वतंत्रता सीमित है, पर जो स्वतंत्रता मिली है उसका हम कैसे उपयोग करते हैं, ये हमारे ज्ञान पर और हमारे आचरण पर निर्भर करता है। दर्शन पर, सम्यक दर्शन पर कहो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों वहां भी काम करते हैं कि मैं जो प्राप्त परिस्थिति है जिसमें थोड़ी स्वतंत्रता मिली हुई है उसका मैं कैसे उपयोग करूं। तो हम कर्मों के पराधीन होने से ही जैन दर्शन में ऐसे जीवों के लिए ही सारे शास्त्र रचे गए हैं जो कर्मों के अधीन है और कैसे मुक्त बन सकते हैं, उसका उपदेश दिया गया है। भाई हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ये तो सब कहा ही गया है। दृष्टि को सम्यक बनाओ, सम्यक दर्शन उत्पन्न करो, ज्ञान को सम्यक बनाओ, आचरण को सम्यक बनाओ, क्षमाशील रहो, 10 धर्मों का पालन करो, स्वभाव में रहो,
ये सब उपदेश दिया गया है, उसी के लिए उपदेश है कि हम कैसे कर्मों से मुक्त हो सकते हैं, कैसे दुख से मुक्त हो सकते हैं, कैसे स्वाधीन हो सकते हैं। वास्तव स्वाधीनता के लिए एक गाथा आई है दशविकालिक सूत्र में, जे कंते पिये भोए लद्धे विपिच्छ कुबई साहिणे चये भोए सेहु चाइत्य गुच्छे। त्यागी के लिए आया लेकिन वह स्वाधीन, स्वाधीनता पूर्वक त्याग। जे कंते पिये भोए, मेरे को प्रिय एकांत भोग मिले हुए हैं, फिर भी उनसे पीछ मोड़ लेता है, जैसे भगवान महावीर ने पीठ मोड़ी, या कोई भी जो अपने आत्म कल्याण करना चाहता है वो उससे पीठ मोड़ लेता है, कांत प्रिय भोगों से भी पीठ मोड़ लेता है, स्वाधीनता पूर्वक। साहिणे, साहिणे मतलब स्वाधीन होकर, सेहु चाहती उसको त्यागी कहते हैं, पर एक पराधीनता के कारण उनका त्याग करता है। जैसे डायबिटीज हो गई तो मिठाई का त्याग कर दिया क्योंकि मिठाई खा नहीं सकते, तो स्वाधीनता पूर्वक त्याग नहीं है उसमें, हम पराधीन है, डॉक्टर के परामर्श से कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई न करे और अपनी स्वाधीनता का अनुभव करे, मिठाई खाता रहे, तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्वाधीनता जिसमें हमारा अहित हो रहा हो, वो स्वाधीनता सुखकारी, दीर्घ सुखकारी नहीं हो सकती। तो स्वाधीनता कैसी हो ये ठीक से समझने, जो हितकारी हो, आत्मकल्याणकारी हो, और जो स्वाधीनता हमको कर्मों से भी मुक्त कर सके, उस स्वाधीनता की बात है, वो हमके लिए, हमारे लिए प्रिय होनी चाहिए। और जैन धर्म में ऐसे ही सिद्धांतों का प्रारूपण किया गया है जो हमको इस स्वाधीनता का अनुभव करा सके, स्वतंत्रता का अनुभव करा सके, स्वाधीनता के माध्यम। स्वाधीनता में वीतरागता आ जाती, क्योंकि राग हमको पराधीन बनाता है, राग पराधीन बनाता है, और राग रहित होना हमको स्वाधीन करता है। द्वेष भी हमको सीमित करता है, हमारी स्वाधीनता को खंडित करता है, पराधीन बनाता है। और क्रोध आदि भी, क्योंकि जब क्रोध के वशीभूत कोई होता है तो फिर वो होश खो देता है, चेतना खो देता है, क्या बोल रहा है, क्या बक रहा है, किस तरह का अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, या कैसी क्रिया करने के लिए उतर आया है, और कैसा आर्त ध्यान कर रहा है, दूसरे के प्रति कितने द्वेष के दावानल से जल रहा है, वो भूल जाता है, क्योंकि क्रोध करने में भी स्वतंत्र है और न करने में भी स्वतंत्र है, दोनों में स्वतंत्रता है। पर उस स्वतंत्रता का उपयोग करने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य की आवश्यकता, उसी के लिए धर्म का प्रतिपादन किया, सुखम धर्मात्, धर्म से सुख होता है, पाप से दुख होता है। इस बात को समझकर स्वाधीनता का या स्वतंत्रता का सदुपयोग किया जाना चाहिए, जो अपने लिए और विश्व के लिए अहितकारी है ऐसा आचरण हम न करें। ये तो एक सामान्य बात हुई। अब मैं जो जैन सिद्धांत हैं और उनको उसमें कुछ कारण कार्य को लेकर के अनेक सिद्धांत भारतीय परंपरा में आए हैं, उनमें कालवाद भी है, स्वभाववाद भी है, नियतिवाद भी है, पूर्वकृत कर्म भी है, और पुरुषार्थवाद, ये पांच कारण, पांच प्रकार के कारणों की चर्चा मिलती है। इनका एकांतवाद मिथ्यात्व कहा गया और इन सबका सम्मिलित रूप सम्यक्त कहा गया, सिद्धसेन दिवाकर ने ऐसा तन्मति तर्क प्रकरण में कहा है, और पूरी जैन परंपरा ने फिर इस पंच कारण समवाय को अपनाया है। पर इसमें एक मैं दो ही सिद्धांतों की यहाँ विशेष रूप से चर्चा करना चाह रहा हूँ, नियतिवाद की, खास तौर से कालवाद की भी कर सकते हैं संक्षिप्त में। कालवाद ये कहता है काल ही सब कार्यों का कारण है, एकमात्र काल को वो कारण मानते हैं, वो काल को परम तत्व मानते हैं, उसको ही प्रभु का रूप मान लेते हैं, और कहते हैं काल ही काल सृजति भूतानि, काल संहरते प्रजा, काल ही सृष्टि की रचना करता है, काल ही प्रजा का संहार करता है, काल ही पकाता है, फसलों को पकाता है, यानी सब कुछ काल के अनुसार होता है,
और हमारे यहाँ भी कुछ अंशों में काल को स्वीकार किया है, अवसर्पणी काल उत्सर्पणी काल का प्रभाव बताया गया है कि पहले से तीसरे आर्य तक युगलिंग होते हैं, फिर चौथे आर्य में ये मोक्ष मार्ग की और मुक्ति में जाने की बात आती है, कर्म भूमि पर कैसा प्रभाव होता है ये क्षेत्र का भी प्रभाव माना है। तो काल का अपना प्रभाव है, काल भी कारण होता है। बीज आज बोया है तो उसकी उत्पत्ति होने में यानी फल आने में, अंकुरित तो हो जाएगा लेकिन बड़ा होने में फल आने में समय लगता है, और हर बीज में अलग अलग समय लगता है। आम आने में 5-6 साल भी लग जाएंगे, ज्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन नींबू आने में 2 साल 3 साल में आ जाएंगे, या सबका अलग अलग काल हो सकता है। तो हर हर एक में काल की अपेक्षा है। बच्चा उत्पन्न होता है मनुष्य का तो 9 महीने लगते हैं, तुरंत नहीं हो जाता, तो काल की कारणता मानी गई। पर कालवादी केवल उसी का आग्रह करते हैं कि सब का कारण काल ही है, पर भारतीय दर्शन में बाद के जो दार्शनिक वो कहते हैं काल तो सामान्य कारण है जो सभी कार्यों में कारण बनता है। कौन सी क्रिया ऐसी है जगत की जिसमें काल कारण नहीं बनता? हर क्रिया में काल लगता है, तो काल तो हर एक में ही कारण बनता है, हर हर कार्य में काल कारण बनता है, तो वो तो सामान्य कारण हुआ। कोई विशेष कारण की चर्चा होनी चाहिए। स्वभाववादी स्वभाव की चर्चा करते हैं, स्वभाव की जैसा जिसका स्वभाव है उससे वैसे कार्य की उत्पत्ति होती है, और इस स्वभाव के आधार पर ही सांख्य दर्शन में सत्कार्य सत्कारणवाद का सिद्धांत है। मैं फिर सत्कार्यवाद का सिद्धांत है उसकी मैं चर्चा अभी नहीं करूं, पर जिसमें जो शक्ति है, जैसे आम की गुठली में शक्ति है आम को पैदा करने की, तो उसका स्वभाव है, वो नीम उससे पैदा नहीं होता, नीम की गुठली से आम पैदा नहीं हो सकता, तो स्वभाव कारण होता है। हर कार्य का कारण स्वभाव होता है कि किस पदार्थ में क्या स्वभाव है जिससे उस कार्य की पैदा उस कार्य की उत्पत्ति होगी। तीसरा और सिद्धांत आया नियतिवाद। नियतिवाद ये कहता है कि सब कुछ नियत है, या कुछ भी अनियत नहीं है, जब जो होना है तब होगा, जैसे होना है तब वैसे होगा, जिस काल में जिस प्रकार से जिस निमित्त से जो होना है वो ऐसा होगा, ऐसा नियतिवाद कहता है। और नियतिवाद की स्थापना के का श्रेय मंखली गोशालक को दिया जाता है, मंखली पुत्र गोशालक, जो भगवान महावीर के काल में हुए थे और भगवान महावीर के साथ भी कई वर्षों तक रहे। उन्होंने ये सूत्र भी ये सिद्धांत भी भगवान महावीर के साथ रह करके ही सीखा, लेकिन पृथक रूप से उन्होंने सिद्धांत की स्थापना कर दी नियतिवाद की। हालांकि नियतिवाद और भी जगह चर्चित है, केवल गोशालक में नहीं है, उसके बीज हमको रामायण में महाभारत में और संस्कृत साहित्य के अनेक ग्रंथों में भवितव्यता के रूप में कई नियति के रूप में मिलते हैं, और भारतीय परंपरा में जनमानस में भी वे जो नियत है वो होना है ऐसा मानते हैं। तो नियतिवाद की जो स्थापना की गोशालक ने, उसका दीघ निकाय में भी वर्णन मिलता है, बौद्ध त्रिपिटक के दीघ निकाय में क्या कहा गया है, तो वो कहते हैं कि कोई पुण्य पाप नहीं होता, कोई उसके कारण से सुख दुख नहीं होता, प्राणी स्वतः ही सुख दुख प्राप्त करते रहते हैं। उसके जो वाक्य हैं हिंदी में, वो वाक्य मेरे पास हैं, हाँ, तो कहते हैं प्राणियों के दुख का कोई प्रत्यय या हेतु नहीं है, ऐसा वहां कहते हैं, प्राणियों के दुख का कोई प्रत्यय या हेतु नहीं है, बिना हेतु और प्रत्यय के प्राणी दुखी होते हैं, ऐसा दीघ निकाय में गोशालक के मत का उल्लेख करते हुए कहा गया। प्राणियों की विशुद्धि का भी कोई हेतु या प्रत्यय नहीं है, बिना हेतु या प्रत्यय के ही प्राणी विशुद्धि को प्राप्त होते हैं, ये सब स्वतः ही होता रहता है, ना आत्मा कुछ करती है ना पर कुछ करता है,
न पुरुषकार है और न बल है, न वीर्य है, न पुरुष स्थान है, न पुरुष पराक्रम है। सभी सत्व, सभी प्राणी, सभी भूत और सभी जीव अवश हैं, अबल हैं, अवीर्य हैं। नियति के संग के भाव से परिणत होकर 6 प्रकार के भी जातियों में सुख दुख का संवेदन करते हैं। ये गोशालक के मत को दीघ निकाय में उल्लिखित है। लेकिन मैंने जो भी कहा कि भगवान महावीर के साथ रहते हुए उन्होंने क्या सीखा, वो भगवान महावीर के से प्रभावित तो थे, लेकिन साथ में रहते हुए एक बार जब विहार कर रहे थे तो मार्ग में एक तिल का पौधा था। गोशालक ने प्रश्न किया कि ये तिल का पौधा वर्षा में और आगे वृद्धि को प्राप्त होगा, उगेगा या नहीं, कितने तिल आएंगे। भगवान ने कहा कि भाई ये 7 तिल इसमें, 7 फलियां इसमें पैदा होंगी तिल की। गोशालक ने इसको झूठ करने के लिए चुपचाप उस फली के, उस तिल के पौधे को उखाड़ कर वहां से दूसरी जगह डाल, कभी वापस विहार करते हुए वहां पर आए तो गोशालक ने कहा कि आपने कहा था कि यह तिल का पौधा इस तरह से 7 फलियों से युक्त होगा, लेकिन यहाँ तो हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने वो पौधा वहां से उखाड़ दिया था, अब वो जहां पर है वहां 7 फलियां उसमें है, तुम जाकर देख, वो उसमें 7 फलियां थी। तो उन्होंने, उनको लगा कि जो भगवान ने कहा है वो नियते जनी, जो होना है सो ही होगा, और कुछ उससे अतिरिक्त नहीं हो सकता, और उसने अपना सिद्धांत बना लिया। जबकि भगवान महावीर ने कहीं भी ऐसा उपदेश नहीं दिया अपने इतने आगमों में, जितने आगम में उनके संकलन है, कहीं भी ऐसा उपदेश नहीं दिया कि जो होना है सो होगा, ऐसा कहीं भी नहीं कहा। वो हर बार यही उपदेश देते रहे कि तुम ये छोड़ो, ये करो, ये करो, करने का उपदेश दिया या फिर सिद्धांतों का उपदेश दिया। लोक को समझाया लोक कैसा है, नए की दृष्टि से समझाया, या फिर हिंसा त्याग की बात कही, 5 महाव्रतों की बात कही, 5 समिति की, 3 गुप्त की, 5 अणुव्रतों की, 7 शिक्षा व्रतों की बात कही, तो क्रिया की बात क्यों की उन्होंने? फिर ये कह देते कि जो होना है सो होगा, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहीं भी उपदेश नहीं, बल्कि नियतिवाद का खंडन किया है। गोशालक उस समय भी नियतिवादी बन गया था, तो गोशालक के कई मतावलंबी हुए, यही नहीं हजारों की संख्या में हुए। कहीं ये भी कहा जाता है कि भगवान महावीर से भी अधिक फॉलोअर गोशालक के हो गए थे, लेकिन भगवान महावीर उससे विचलित नहीं हुए। एक बार गोशालक का अनुयायी कुंभकार सद्दालक, जिसका वर्णन उपासक दशांग सूत्र में आता है, वो एक श्रावक था, 10 श्रावकों में, तो सद्दालक गोशालक का अनुयायी था, जो ये मानता था कि जो जैसा होना है वैसा होगा, नियतिवादी था। एक बार गोशालक ने, एक बार कोई एक देव से ऐसा ऐसी सूचना मिली कि यहाँ पर कोई ऐसे परम ज्ञानी पुरुष, ज्ञान दर्शन के धारी, उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन के धारी आने वाले हैं और तुम सेवा का लाभ लेना। उसने सोचा गोशालक आ रहे हैं, लेकिन गोशालक नहीं, महावीर थे। वो महावीर से विनती करता है और अपनी गोशाला, अपने कुंभकार शाला की तरफ ले आता है। कुंभकार शाला ने उसकी कई 500 दुकानें थी, उसकी कुंभकार बड़ा व्यापारी था, हजारों, उसके 10,000 गायें भी थी। तो सद्दालक के वहां ही वो ठहरते हैं और उस, वो सद्दालक धूप में बर्तन सुखा रहा था, मिट्टी के पात्र सुखा रहा था। तो उसे पूछते हैं कि तुम ये क्यों सुखा रहे हो, ये सूखने के लिए? तो बोलिए कैसे बने, किस तरह से बने, कि मिट्टी को इस तरह से किया गया, मिट्टी लाई, उसको पानी में भिगोया, फिर उसमें गोबर मिलाया, उसमें क्षार मिलाया, फिर उसको इस तरह से आकार दिया, चाक पर रखा और उस तरह से आकार दिया, तो ये बन गया, घड़ा बन गया है। तो बोले इसमें उत्थान कर्म बल वीर्य लगा कि नहीं लगा? बोले नहीं, बिना उत्थान कर्म बल वीर्य के, यानी बिना पुरुषार्थ के, ये सब अपने आप हो गया है। तो भगवान महावीर को लगा कि ये सब कुछ होते हुए भी ये नहीं समझ रहा है, इसने इतना इतना वर्णन कर दिया कि मिट्टी लाए भी, पानी में भिगोया भी, गोबर भी मिलाया, क्षार भी मिलाया, चाक पर रखा, फिर बना है, ये सब कुछ वर्णन करते हुए भी कह रहा है कि इसमें उत्थान कर्म बल वीर्य नहीं लगा। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे इन बर्तनों को कोई चोर चोरी करे, इनको बिखेर दे, इनको फोड़ दे, या तुम्हारी पत्नी के साथ व्यभिचार करे, तो तुम यही कहोगे कि भाई इसमें
जो होना है सो होगा, नहीं, मैं उसको मारूंगा, पीटूंगा, उसको तर्जना करूंगा, ये सब कुछ करूंगा, वो गुस्से में आ जाता है। तो महावीर कहते हैं कि भी तुम कह रहे उत्थान कर्म बलवीर्य नहीं है, तो फिर ये क्यों कर रहे हो, फिर क्यों ऐसा सजा देना चाहते हो उसको, क्यों ऐसा करना चाहते हो। तो वो फिर मानता है कि नहीं, उत्थान कर्म बलवीर्य कुछ है, और फिर महावीर पर उसकी आस्था हो जाती है। यानी नियतिवाद की मान्यता का खंडन महावीर वहां कर रहे हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए था अगर वो नियतिवाद को ही सच मानते। ऐसे ही कुंडकौलिक श्रावक, जो छठे छठा श्रावक है, उसके पास उसकी परीक्षा करने के लिए देव आता है, और वो पोषतशाला में अपना उत्तरी और आभूषण उतार करके बैठता है। तो वो उत्तरी और भाष जो है वो ले जाता है आभूषण, और कहता है कि भाई तुम उत्थान कर्म बलवीर्य को मत मानो, और यही मानो कि ये सब अपने आप होता है, नियति से होता है। तो कहते कि नहीं, वो प्रश्न करता है देव से कि तुम देव कैसे बने, क्योंकि तो मैं तो अनुत्थान यानी उत्थान बल कर्म वीर्य के बिना बन गया। तो फिर कहता है वो दूसरा प्रश्न करता है, फिर सारे क्यों नहीं बने, जो उत्थान कर्म बल वीर्यहीन है वो सारे देव क्यों नहीं बने, अंतर क्यों हो रहा है। तो वो निरुत्तर हो जाता है, इस तरह से वहां पर उल्लेख आता है। फिर हम अगर भगवती सूत्र को देखते हैं, तो भगवती सूत्र में 15वां शतक पूरा गोशालक पर कर्म, उसमें वर्णन पूरा दिया है इसी का, तिल के पौधे आदि का भी, पर वहां और भी उल्लेख किया है पुरुषार्थ कर्म बल वीर्य आदि की के समर्थन में, कि हम जो कर्मों का बंधन करते हैं उसकी निर्जरा करने के लिए, कर्म का बंधन करने में भी उत्थान कर्म बल वीर्य लगता है, और निर्जरा करने में भी लगता है, उत्थान कर्म बल वीर्य से ही निर्जरा होती है, यही नहीं उदीर्णा करने में भी लगता है, संक्रमण करने में भी लगता है। तो हम जब साधना के विभिन्न अंगों को करते हैं, तो बिना उत्थान कर्म बल वीर्य के साधना नहीं होती, अपनी आप नहीं होती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। और यही जैन दर्शन की प्रधानता है, या कहें कि मुख्यता, या कहें कि विशेषता है, कि इसमें पुरुषार्थ को प्रधानता दी गई है। श्रमण संस्कृति के दर्शन जैसे पुरुषार्थ प्रधान होते हैं, जैसे बौद्ध दर्शन में भी पुरुषार्थ का महत्व है, जैन दर्शन में भी है, या ईश्वर को कर्ता धर्ता नहीं मानते कि ईश्वर सब कुछ करता है, ऐसा नहीं मानते, बल्कि आत्मा स्वयं कर्त्री है, आत्मा को मुख्यता देकर स्वीकार किया गया। मैं यहाँ भारतीय दर्शन में आत्मा का कौन क्या स्वरूप मानता इस पर नहीं जा रहा, लेकिन जैन दर्शन में जिस आत्मा को हम जानते हैं उसी की चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि आत्मा को यहाँ नित्य भी माना है और पर्याय परिवर्तन भी उसमें होता रहता है ऐसा मानते हैं। सभी पदार्थों को नित्य अनित्य माना है, आत्मा को भी नित्य अनित्य माना, नित्य की प्रधानता रहती है द्रव्य की दृष्टि से, पर पर्याय बदलती रहती है। इसलिए आत्मा कहो जीव कहो, यहाँ एक ही अर्थ है, तो वह पर्याय भी दो तरह की होती है, एक होती है व्यंजन पर्याय, एक होती है अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय तो प्रत्येक क्षण बदलती रहती है, जिसका हमको पता नहीं चलता। जैसे हम पौधे के पास बैठे कि किस क्षण पौधा पौधा बढ़ रहा है, तो हमको नहीं पता चलेगा, 24 घंटे बैठे रहे, अर्थ पर्याय उसकी बदल रही है, प्रत्येक क्षण बदल रही है, उसका हमको ज्ञान नहीं होता, विजिबल नहीं होती वो हमको इंद्रियों से। लेकिन अगर हम एक अरसे बाद देखें, 15 दिन में, महीने में देखें, तो हमको अंतर लगता है। तो वो जो बदलाव प्रकट हो रहा है वो व्यंजन पर्याय, जिसको हम कथन भी कर सकते हैं कि अब अंकुरित होकर के 1 फुट बड़ा हो गया है, जिसका हम कथन कर सकते हैं, पर अर्थ पर्याय का कथन करना नहीं संभव नहीं है। व्यंजन पर्याय का कथन किया सकता है, उसको जाना जा सकता है, समझाया जा सकता है, कथन किया जा सकता है। अर्थ पर्याय सूक्ष्म है, और व्यंजन पर्याय उसी का एक स्थूल रूप है, जिसको हम कह सकते हैं। जैसे बच्चा बड़ा हुआ, 1 साल का हो गया, तो कितना बड़ा लगता है, फिर और उससे बड़ा, या कहें कि ये व्यंजन पर्याय है हमारा शिशुपन, फिर कुमारावस्था, किशोर अवस्था, यौवन अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, ये सब हमारा व्यंजन पर्याय है। लेकिन अर्थ पर्याय तो प्रत्येक क्षण हो रहा है, वो स्वतः हो रहा है अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय उसका परिणाम है, और व्यंजन पर्याय में कदाचित कहीं पर्यायों में जीव का योगदान भी रहता है अलग से, वो पुद्गल में विशेष रूप से,
जैसा मैंने पहले कहा था, तीन तरह का परिणमन होता है, विश्लेषा परिणमन, प्रयोग परिणमन और उभय परिणमन। तो जो स्वतः होता रहता है वो विश्लेषा परिणमन है, लेकिन जीव के माध्यम से होता है वो प्रयोगज परिणमन है। जैसे हमने भोजन किया, उसका रक्त बना, वो प्रयोगज परिणमन है। भोजन से रक्त का बनना बिना जीव के नहीं हो सकता। ऐसे ही कर्म पुद्गलों का, या बाहर जो कार्मण वर्गणा के पुद्गल हैं, उनका कर्म रूप में परिणमन बिना जीव के नहीं हो सकता, वो प्रयोगज परिणमन है। जीव उनको कर्म रूप में बदल देता है। जैसे यहाँ भोजन को रक्त में बदला, हड्डी में बदला, मज्जा में बदला, किसी भी रूप में, हार्मोन्स में बदला, वैसे ही कर्म रूप में बदल सकते हैं। ये जीव में परिवर्तन होता है, ये प्रयोगज परिणमन। और ऐसे ही एक तीसरा जो परिणमन है, जिसमें जीव और पुद्गल दोनों का योगदान है, कि हम किसी वस्तु की कैसी पर्याय बदलनी है, वो पर्याय एक तो स्वतः चल रही है और एक उसमें जीव अपना योगदान कर देता है। जैसे गेहूं को पीस दिया, अब गेहूं अपने आप नहीं पीस सकता, पीसने का काम जीव करता है। चक्की चला दी, पीस दिया, आटा बना दिया। अब आटे से रोटी बनाना, तवे पर सेकना, ये सब भी जीव करता है। उसको आकार देना, ये उभय परिणमन है। उसमें क्षमता भी है, वो परिणमन कर सकता है, मिलकर के कर सकता है, लेकिन उसको रूप दिया वो जीव ने दिया। घट घड़ा बनाया, घर बनाया, ये कुछ भी किया, तो ये प्रयोगज परिणमन, ये तदुभय परिणमन है। उसमें एक शक्ति है। तो ये परिणमन जो है पर्याय का, जीव के द्वारा चेंज भी हो सकता है, बदला जा सकता। तो नियतिवाद का खंडन किया गया, नियतिवाद के ही लगभग समान सिद्धांत हमारे जैन दर्शन में आया, क्रमबद्ध पर्याय। और ये विशेष रूप से प्रकाश में आया अभी कुछ वर्षों पूर्व, 1950-55 के आसपास। उसके पहले यह शब्द नहीं था। क्रम नियत शब्द तो कहीं मिला अमृत चंद्र की टीका में, क्रमाक्रम नियम नियत, क्रमाक्रम नियत ये शब्द मिले हैं। और 47 शक्तियों में भी जो उत्पाद वे शक्ति है, उसमें भी क्रमाक्रम नियत शब्द का प्रयोग हुआ है, जो अमृत चंद्र की टीका ही है, प्रवचन सार पर। उसमें उन्होंने 47 शक्तियों में उत्पाद वे द्रव्य शक्ति का उल्लेख किया है, उसमें क्रमाक्रम नियमित शब्द का प्रयोग किया। अब क्रम और अक्रम दोनों शब्दों का वहां प्रयोग हुआ है, क्रम का भी हुआ, अक्रम का भी हुआ, लेकिन जो सिद्धांत की प्रसिद्धि हुई वो क्रमबद्ध पर्याय की। और क्रमबद्ध पर्याय का डेवलपमेंट सर्वज्ञता के आधार पर हुआ है। सर्वज्ञता को आधार बनाया गया कि भगवान सब कुछ जानते हैं, तो सब कुछ जानते हैं, भूतकाल को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं, भविष्य को भी जानते हैं, तो उनकी दृष्टि में तो सब नियत हो गया। इसलिए सभी पर्याय एक क्रम उनका बन गया है कि उसी क्रम से होंगी, इस क्रम से भगवान ने जान लिया है, सर्वज्ञ ने जान लिया, उसी क्रम से होंगी, इसलिए उसका नाम दिया क्रमबद्ध पर्याय। मैं इस सिद्धांत में एक विशेषता देखता हूं और एक कमी भी। विशेषता यह देखता हूं कि यह सिद्धांत मनुष्य को निश्चिंत बनाता है, चिंता मुक्त बना देता है, कि भाई जो एक क्रम है पर्याय का वैसे ही होगा और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों दुखी हूं, मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, जैसा होना है वैसा होगा, और कर्तृत्व लाने की जरूरत भी नहीं है, ये एक लाभ इसका है। पर इस तरह का लाभ भारतीय परंपरा के अनेक सिद्धांत दे रहे हैं, उनमें ईश्वरवाद भी है। ईश्वर भी हमको निश्चिंत बनाता है, ईश्वरवाद, ईश्वर को मान लेना भी। ईश्वर के भी विभिन्न रूप माने गए हैं, पर एक रूप यह भी है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, बिना ईश्वर की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता, जो होना है वो उसकी इच्छा से होगा, उसकी लीला है, ऐसा मान लेने पे निश्चिंतता आ जाती है। और ये क्रमबद्ध पर्याय उस ईश्वर की इच्छा की तरह हो गया कि जैसे वो करेगा वैसे होगा, ऐसी जो नियत है वैसा होगा। तो ईश्वरवाद में और इसमें कोई
अंतर ये तो है कि वहां ईश्वर करता है या करता नहीं है, तो क्रमबद्ध पर्याय है, जैसा होना है वैसा होगा, अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, ऐसा निश्चिंत बनाता है, जैसे ईश्वरवाद बनाता है, ईश्वर की भक्ति बनाती है, वैसे ये भी निश्चिंत बना देता है। लेकिन हर सिद्धांत अपने ही सिद्धांत जो अन्य सिद्धांत है उसके साथ संगति रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने सिद्धांत अपने ही विरोधी सिद्धांत बन जाए, और वो सत्यनिष्ठ होना चाहिए। इसलिए सत्य को एकांग पक्ष नहीं बहुआयामी पक्ष से जानना चाहिए कि क्या सही है और क्या नहीं है। इसको एक पक्ष से देख लेने पर, देखिए हमने सर्वज्ञता की आंख से देख लिया और ये जान लिया कि सर्वज्ञ ने जो जान लिया बस वही होना है, इसके अतिरिक्त कुछ होना नहीं। पर सर्वज्ञ के जो वचन हैं, सर्वज्ञ की सिद्धि यद्यपि बाद में दार्शनिकों ने की है, दार्शनिक आचार्यों ने की, और उसका खंडन मीमांसकों ने किया है। मीमांसक कहते हैं कि कोई मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हो सकता, कोई पुरुष सर्वज्ञ नहीं हो सकता, ऐसा मीमांसक कहते हैं। उन्होंने अपने तर्क दिए हैं, जैन आचार्यों ने अपने तर्क दिए हैं और सर्वज्ञ की सिद्धि की। सर्वज्ञ की सिद्धि में केवल ज्ञान आधार बना है, क्योंकि केवल ज्ञान में ज्ञानावरण कर्म का पूर्ण क्षय हो जाता है तो संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाता है, और संपूर्ण ज्ञान होने का मतलब है कि संसार का सब कुछ जो भी है वो सब जान। तो सब कुछ जानने में षड द्रव्य तो जाने ही, लेकिन षड द्रव्यों के अलावा जितने पुद्गल हैं उनकी हर पर्याय को जानना, जितने जीव हैं उनकी हर पर्याय को जानना, ये भी सब कुछ लिया गया, सब कुछ जान। पर कभी भगवान ने, चाहे वो ऋषभ देव हो, ऋषभ देव ने एक भविष्यवाणी की थी कि मरीचि कुमार के बारे में, कि मरीचि जो है वो तीर्थंकर बनेंगे, 24वें तीर्थंकर, अपने पौत्र के बारे में भविष्यवाणी कर दी वो बने। तो जब तीर्थंकर कहीं कथन करते हैं, उनसे प्रश्न भी किए गए, जैसे श्रेणिक भी पूछते हैं या कोई भी पूछता है, अरिष्टनेमी से भी पूछा श्री कृष्ण ने, वो बताते हैं, उसे लगता है कि इनको पूर्ण ज्ञान है, पर वो किसी जिसका प्रश्न किया जाता है उतना ही उत्तर देते हैं, उसी के बारे में उत्तर देते हैं, सबका कथन नहीं करते कि किसकी क्या पर्याय होगी। यानी जब वो उपयोग लगाते हैं तब उसके बारे में जानकर बता देते हैं, पर कहते यही हैं कि तुमको प्रयत्नशील रहना है, पुरुषार्थी बनना है, संयमेन तवेन ये, संयम और तप से ही कर्म क्षय हो सकता है, ये उपदेश देते हैं। ये नहीं कहते कि मैंने देख लिया वैसा सब होना है, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, ऐसा उपदेश किसी शास्त्र में नहीं दिया गया। ये केवल एक परिणति है सर्वज्ञवाद की, कि सर्वज्ञ ने जान लिया इसलिए हमने क्रमबद्ध पर्याय कर लिया, और उससे हमारी निश्चिंतता हो गई, हम साधनाशील हो गए, साधनाशील हो गए, लेकिन सत्य अधूरा रह गया। जैन दर्शन के अन्य सिद्धांत गौण बन गए, और उस क्रमबद्ध पर्याय में ही पुरुषार्थ को भी शामिल कर लिया, कि पुरुषार्थ होगा तो क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ होना होगा तो हो जाएगा। नहीं, इससे क्या होगा कि इस सिद्धांत को सुनकर पुरुषार्थ का वेग नहीं आएगा, जो इसको जानेगा उसमें पुरुषार्थ का वेग क्षीण हो जाएगा। तो ऐसा सिद्धांत जो पुरुषार्थ के वेग को, उसकी साधना को क्षीण कर दे, उसके उत्साह को मंद कर दे, तो वैसा किस काम का सिद्धांत। और ऐसा अभी जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिए और पिछली बार भी दिए थे, हमारी स्वतंत्रता क्या रह गई फिर, जीव की स्वतंत्रता, हर जीव की स्वतंत्रता क्या रह गई अगर सब कुछ क्रम से बना हुआ है। तो क्रमबद्ध, अब उस क्रमबद्ध पर्याय में हम कहेंगे नहीं ऐसा तब होगा जब उसने किया पुरुषार्थ, नहीं, पुरुषार्थ की महत्ता को क्यों नहीं मान लेते, तो उसमें क्या दोष है। कर्तृत्व का अभिमान आता है तो उसको मिटाने की जरूरत है, राग आता है तो उसको मिटाने की जरूरत है, द्वेष आता है तो उसको मिटाने की जरूरत है। निश्चिंतता आ जाना अलग बात है, लेकिन पुरुषार्थ मंद हो जाना और साधना का पक्ष कमजोर हो जाना, ये एक दोष भी तो है, तो उसकी विशेषता भी है और उसमें कुछ कमी भी है। कमी में दो तरह से देख रहा हूं, एक तो अपने ही सिद्धांत पुरुषार्थ के साथ थोड़ा विरोध होना, और दूसरा साधना के पुरुषार्थ का है, या कहें कि साधनाशीलता या साधना के जो उपदेश दे गए हैं उनकी महत्ता को कमजोर करना, ये उसका एक दोष है। तो भगवान अब सर्वज्ञ थे, ठीक है,
और उसका कोई विरोध इसलिए नहीं करता कि भगवान को सर्वज्ञ मानने की बात का कोई निषेध नहीं करता, कोई भी जनी निषेध नहीं करता, उसकी व्याख्या अलग अलग करते हैं। ये बात हुकमचंद जी भारल्ले भी अपनी किताब में कहते हैं, क्रमबद्ध पर्याय किताब उन्होंने लिखी है। और उन्होंने और भी तर्क दिए हैं कार्तिकेय अनुपेक्षा से भी और कुछ ग्रंथों से भी कि भाई इस तरह की मान्यता पहले के ग्रंथों में भी रही है, और कांजी स्वामी ने इसको प्रतिपादित किया और उस पर पुस्तक भारल्ले साहब लिखते हैं। इससे निश्चिंतता तो आती है, उनको अनुभव भी हुआ होगा, किसी को किसी से भी शांति मिल सकती है, अनुभव मिल सकता है, लेकिन वो पूर्ण हो गया ऐसा कहना मुश्किल है। तो अपने अन्य सिद्धांत जो कि 10 धर्मों से जुड़े हुए हैं या कि जो चारित्र के पक्ष से जुड़े हुए हैं, जिसमें 5 समिति 3 गुप्ति है, 5 महाव्रत है, 22 परिषयों पर विजय प्राप्त करनी है, हालांकि उसमें समभाव की साधना है पर ज्ञान पूर्वक समभाव की साधना है, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। और दूसरी बात, अगर हमने क्रमबद्ध पर्याय को मान भी लिया कि ये अपने आप में सिद्धांत है, फिर भी पुरुषार्थ करना शेष रहता है। कैसे? कि क्रमबद्ध पर्याय को मान लेने पर भी हमको रागादि से रहित होने का पुरुषार्थ करना पड़ता है कि सब जो होना है सो होगा, लेकिन अब मुझे शांत रहना है और राग नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, ये तो साधना बाकी रहती है, जो करनी पड़ती है वो भी तो पुरुषार्थ है, और वो प्रबल पुरुषार्थ, इसलिए वो गौण नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि राग रहित होने का अपने आप ही हो जाऊंगा। अरे भाई, तुम जब ये क्रमबद्ध पर्याय को मान भी लोगे तब भी तुमको रागादि से रहित होने के लिए शुभ भाव में और शुद्ध भाव में, शुद्धोपयोग में रहना पड़ेगा, तो वो भी तो साधना है, वो भी तो पुरुषार्थ है, और बड़ा पुरुषार्थ है, उसको हम क्रमबद्ध पर्याय के अंतर्गत लेकर गौण नहीं कर सकते, उसकी प्रधानता होनी चाहिए। तो जैन दर्शन पुरुषार्थवादी दर्शन है, और यह इसकी अपनी विशेषता, अपना ढंग है प्रतिपादन करने का। और हम देखते हैं अपने जीवन में कि हम में जो ज्ञान है वो सीमित है, इसलिए आवरण मान लेना ठीक है। अब सर्वज्ञता पर कभी अलग से चर्चा होगी कि सर्वज्ञता का मीनिंग क्या लिया जाए, ये अलग प्रश्न है, क्योंकि भगवान ने जो सर्वज्ञता जिसकी प्रश्न किया उसका उत्तर दिया है, उससे ज्यादा उत्तर वो नहीं देते। वो एक साथ नहीं बताया कि अमुक पदार्थ एक, अभी कहते हैं एक साथ सारा जान लेते हैं, युगपद होता है। अरे भाई, युगपद कैसे होगा, फिर क्रम भाववान ही रहेगा। आप जब बद्ध क्रमबद्ध पर्याय कह रहे हो तो सिद्धों में जानने की भी क्रमबद्ध पर्याय है क्या, ये प्रश्न खड़ा होता है, वो युगपद क्यों नहीं जानते। दूसरी तरफ कहते कि उनको तो युगपद ज्ञान हो जाता है, या ज्ञान दर्शन का जो है ना, ज्ञान दर्शन का क्रम नहीं रहता, ज्ञान ही युगपद हो जाता है। तो ज्ञान युगपद हो गया तो युगपद कैसे हुआ, क्रमबद्ध पर्याय कहाँ गई। क्रम से जानते तो फिर क्रम से कुछ को जानते या सबको क्रम से जानते, ये प्रश्न खड़ा होता है। तो जो सिद्ध हैं उनमें वो किस तरह से लागू होगा क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत, ये प्रश्न खड़ा होता है। और हमारे भी हम ऐसे हर पदार्थ की क्रमबद्ध पर्याय नहीं कह सकते, हालांकि उसमें ढाल दो कह दो, क्योंकि देखिए ये माना गया है गुण तो पदार्थ द्रव्य का सहभावी होता है, सहभाविनो गुणा क्रम भाविनो पर्याय, पर्याय क्रम भावी होती है, ये लक्षण है। तो पर्याय होगी तो क्रम से ही, पर वही पर्याय होगी ये कहना मुश्किल, क्योंकि कुछ द्रव्यों की पर्याय प्रयोगज और तदुभय के कारण से परिवर्तित हो सकती है, जिसमें जीव का योगदान रहता है। जैसे आज मोबाइल आ गया, अभी मोबाइल एक नई नई पर्याय है जो पूर्व काल में नहीं थी, ये पुरुषार्थ से आई है, इसमें जीव का योगदान रहा है। टीवी आ गई, मैसेज चला जा रहा है, जैसे हम फोटो देख रहे हैं, ये ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहा है, ये कैसे आ गया, पुरुषार्थ का योगदान है। अब हम इसको भी सब क्रमबद्ध पर्याय कह देंगे, ये बड़ा वैज्ञानिकों के लिए भी, या कहें कि जो उत्साही होकर नया नया कुछ कर रहे हैं उनके लिए भी एक प्रॉपर संदेश नहीं होगा, कह देने मात्र से निश्चिंत तो वो बनाता है, लेकिन उससे जो नई नई चीजें हो रही है उसको क्रमबद्ध पर्याय में स्वीकार कर लेना, ये
अब कहें कि सर्वज्ञ के नाम पर मान ले तो मान ले, लेकिन बुद्धि इसको स्वीकार कम कर पाती। ऐसा होना चाहिए कि जो जैसे नई नई चीजें आ रही है चिकित्सा के क्षेत्र में भी, आज ये भी कहा जा रहा है कि जीन्स को भी बदला जा सकता है, हम अपने भावों से जीन्स को बदल सकते हैं। अब ये आ रहा है तो जीव उसको भी बदल सकता है, तो क्रमबद्ध क्या है? नहीं तो क्रमबद्ध अगर मानकर बैठे रहेंगे तो हिंसा हो रही तो होने दो। अरे भाई उसका विरोध भी करना जरूरी है, लड़ाइयां हो रही तो होने दो, अरे विरोध करना जरूरी है ये भी कहो। तो भगवान ने वो उपदेश दिया है कि जो करणीय है वो करो, वो नहीं करणीय उसका त्याग करो, उसको अपनाना है। क्रमबद्ध पर्याय पूर्ण सिद्धांत नहीं है, वो चिंता करने वाले लोगों की चिंता से मुक्त करने तक सीमित है, लेकिन आगे प्रोग्रेस को और अपनी साधना को उतनी गति नहीं दे सकता। इसी के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं, क्योंकि समय की अपनी सीमा है और आज समय ज्यादा हो गया है। धन्यवाद आप सभी का, आपने शांति से सुना, प्रश्न हो तो आमंत्रित है।